हेलो फ्रेंड्स, अक्सर आपने कई बार देखा होगा और यदि आप माँ बनी है तो आपने महसूस भी किया होगा कि जब भी आप किसी बच्चे को जन्म देती हैं तो उसके बाद कुछ दिनों तक लगातार आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है, फिर चाहे गर्मी का मौसम हो या फिर सर्दी का। कई बार ऐसा कहा जाता है कि ज्यादा पसीना आना अच्छी बात नहीं है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। रोजमर्रा की जिंदगी में या फिर प्रेगनेंसी में बच्चे को जन्म देने के बाद दोनों ही सिचुएशंस में अगर आपको बहुत पसीना आता है तो ये आपके लिए काफी ज्यादा हितकारी रहता है। आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी कोई व्यक्ति जिम ज्वाइन करता है तो और वो वहाँ पर वर्कआउट करता है तो शरीर से काफी ज्यादा पसीना बाहर निकलता है। पसीना महज पसीना नहीं होता है, वो हमारे शरीर की अशुद्धियाँ होती है जो कि पसीने के जरिए शरीर से बाहर निकल रही होती है। क्योंकि एक माँ ने 9 महीने तक अपने शरीर के अंदर बच्चे को संजो कर रखा होता है, इसीलिए उसके पूरे शरीर को हवा की और बहुत ज्यादा तरोताजगी लेने की जरूरत होती है। जब भी हमारी बॉडी से पसीना निकलता है तो हमारे शरीर के विषैले पदार्थ भी बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं और प्रेगनेंसी के बाद एक पूरी बॉडी को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए अगर आपने भी किसी बच्चे को जन्म दिया है और जरूरत से ज्यादा पसीना आपको परेशान कर रहा है तो ये परेशानी वाली कोई भी बात नहीं है, क्योंकि ये आम बात है और हर प्रेग्नेंट लेडी के साथ ऐसा जरूर होता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपने किसी नवजात शिशु को जन्म दिया है और आपको बहुत ज्यादा पसीना आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है। ज्यादा से ज्यादा पानी पीजिए, अच्छे आहार का सेवन करिए और रेस्ट कीजिए, क्योंकि ये आपकी बॉडी को दोबारा से संजोने की ही प्रक्रिया शुरू हुई है। इस वीडियो को देखिए और अपने व्यूज को हमारे साथ शेयर करिए। मेरी ब्यूटी और हेल्थ से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए यूट्यूब पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए।